अस्सलाम वालेकुम पाकुलर्स, मेरा नाम है सुनील मैज और मैं यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ भी खदम हाजिर हूँ। आज हमारा जो यूज़र रिव्यू है थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है। हम फैसलाबाद आए थे और हमें यहाँ पे दो हाईली प्रिपेयर्ड गाड़ियाँ मिली। हमने कहा चले टाइम को ज़ाया नहीं करते और आप लोगों को जो है इन गाड़ियों को एक वॉक अराउंड कराते हैं, इनके यूज़र से मिलवाते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड पर शेरोज़ खड़े हैं, शेरोज़ की सुपरा है जी। सुपरा मेरा ख्याल है हर यंगस्टर जिसको गाड़ी बनाने का शौक है उसको एक जो ख्वाब होता है, जो पहली ड्राइंग बनाता है वो सुपरा की होती है। राइट पर रेहान साहब की कैंडी रेड कह सकते हैं, टोमेटो रेड कह सकते हैं, इवोल्यूशन है। कैसे रेहान, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो शेरोज़ भाई, सबसे पहले ये बताएं हमारे यूज़र्स के लिए आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट जो वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये 93 मॉडल टोयोटा सुपरा है। ठीक है, ये बेसिकली नॉन टर्बो वेरिएंट है। ठीक है, और इसको बाद में मैंने टर्बो किया है और कंप्लीट ड्राइव ट्रेन इंजन वगैरह हर चीज़ ट्विन टर्बो में पहले कन्वर्ट किया, देन उसके बाद उसको फर्दर टाइम वाइज अपडेट। और ये गाड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके पास कई सालों से है? रफली 12 साल हो गए हैं इसको। 12 साल, अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप तो बिल्कुल बिल्कुल छोटे से होंगे जब आपने गाड़ी ले ली थी। जी ऐसे ही है। अच्छा, तो ये नॉन टर्बो से आपने इसको ट्विन टर्बो किया और जब ये आई थी तो इसका कलर भी मेरे ख्याल सिल्वर था। सिल्वर था, अभी भी गाड़ी अंदर से सारी सिल्वर है, जस्ट बाहर से। और इस कलर का क्या नाम है इसको? बालिक और माल्टे खाने का दिल करता, पता नहीं कुछ और कह रहा था इसको। नहीं, ये इसका पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं है इसका, ये HPR पे आदिल भाई होते हैं, ये उनकी पसंद का कलर है। बड़ा खूबसूरत है, इसके अंदर आपको ना पर्ल ग्रेन भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा सॉलिड। उन्होंने ही चूज किया था, उन्होंने इसको तैयार करवाया था और उन्होंने ये पेंट करवाई है। ठीक है, और इसकी आपने लाइट जो है अभी ब्लैक हाउसिंग वाली लाइट्स डाली है आगे, आगे लिप जो है इसको पियानो ब्लैक किया गया, आजकल पियानो ब्लैक का बड़ा शौक है। व्हील मैं देख रहा था वर्क के व्हील हैं और पिछले टायर खास तौर पे मैं देख रहा था बहुत बड़े हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? ये जो बेसिकली आपने मिकी थॉम्पसन डाले हैं, इसके जो बेसिकली आउटपुट के फिगर्स हैं वो क्या है गाड़ी के फिलहाल? राइट नाउ ये 34 PSI के ऊपर गाड़ी, 970 व्हील्स है, 970 व्हील्स, रफली 1150 BHP जिसको हम कहते हैं, सही है, 1150 ब्रेक हॉर्स पावर है। ठीक है, तो ये और ये डायनो करके चेक किया आपने? जी एग्जैक्टली, डायनो की है। सही, डायनो के फिगर्स हैं। तो ये इनके लिए तो फिर मेरा ख्याल है इस गाड़ी को सीधा रखने के लिए और इसकी ट्रैक्शन के लिए इन व्हील्स का होना बड़ा जरूरी है। जी डेफिनेटली, नहीं तो इवन इन टायर्स को भी आपको पहले गर्म करना पड़ता है, थोड़ा सा बर्नआउट करना पड़ता है, देन ये ट्रैक्शन पकड़ते हैं, अदरवाइज ये ट्रैक्शन इनिशियली ये भी नहीं पकड़ते। सही, और ये टायर डिलीवरी कितना अर्सा हो गया है इसको? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल। 1.5 साल, और इन टायर की अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस है दोनों की? ये जब मैंने परचेज किए थे तो टायर रिम दोनों सेट रफली अराउंड 1 मिलियन मुझे कॉस्ट किया था, ब्रांड न्यू दो, जी दो रियर वाले। सही, मिलियन के दो टायर, टायर प्लस गरीब लोग गड्डी ला लेने यानी डॉक्टर साहब, तो एक दो टायर लेने पीछे। और इसमें जो इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है कौन सा? ये कंप्लीट इसका पेक्सी का सिस्टम है, कैट पैक है फ्रॉम टर्बो टू बैक, और इसके अंदर कैट था पहले, वो अब रिमूव करके स्ट्रेट पाइप उसको किया हुआ। ठीक है, बाकी ये पेक्सी का कंप्लीट सिस्टम है। 4 इंच साइड पे जो स्कर्ट लगे हुए हैं ये भी मेरा ख्याल स्टॉक नहीं है, आफ्टर मार्केट? नहीं, ये स्टॉक नहीं है, लेकिन ये टोयोटा के अंदर ही ऑप्शन आते हैं, ये वो वाले ही है। सही, अच्छा अगर इंटीरियर की तरफ आ जाए, इंटीरियर में देखते हैं कि इंटीरियर में भी कोई मॉडिफिकेशन आपने की हुई है? इंटीरियर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ी स्टॉक लुक पसंद है। अच्छा, और इंटीरियर के अंदर जो गेजेस वगैरह लगाने की बजाय हमने इसके साथ इस तरह किया है कि कैन गेज हमने इसमें लगा दी है। ठीक है, जी इसके अंदर से आप अपना बूस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल और आपकी हर चीज़ इधर डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, इसकी जो ट्रैक्शन है, बिकॉज 92 93 वाली गाड़ियों में इतना ट्रैक्शन कंट्रोल इतना एडवांस नहीं है जिस तरह वो आपकी ई क्लास में हमने देखा था, वो उसमें तो बड़े हाई लेवल के जो है ट्रैक्शन कंट्रोल है। जी जी बिल्कुल। एक तो आपने इसमें बताया कि आपने इसमें जो टायर डाल दिए, उसके अलावा ट्रैक्शन के लिए भी कुछ किया गाड़ी में मॉडिफाई करके? ट्रैक्शन कंट्रोल इसका इतना एफिशिएंट नहीं है, इसको ECU के थ्रू, इसमें आफ्टर मार्केट ECU है, AEM Infinity, उसके अंदर ही आप थोड़े से ट्रैक्शन की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जितनी वहाँ से हम कर सकते हैं उतनी हमने की है। ठीक है, नहीं है वो ओरिजिनल ABS सेंसर्स के साथ ही। और LSD वगैरह लगाया हो? LSD इसका जो ओरिजिनल डिफ है वो LSD वाला डिफ है, TRD LSD वाला डिफ। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर लोगों को मैं बताता हूँ और यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे, कि गाड़ी तेज करना जितना जरूरी है उतनी उसकी ब्रेकों के साथ भी मॉडिफिकेशन, तो आपने ब्रेकों को भी कुछ किया? इसमें स्टॉप टेक की ब्रेक्स हैं, अपग्रेड्स हैं, और फिर भी इसको और ज़्यादा इम्प्रूव अभी मुझे करना चाहिए। सही है, और हर एक को करना चाहिए, गाड़ी तेज कर रहा है उसको ब्रेकिंग पे उतना ही फोकस करना चाहिए। एंड हाउ ऑफन डू यू ड्राइव दिस कार? वेरी ऑफन, प्रॉब्ली वंस इन अ वीक तो लाजमी है ये, और मेरा मतलब काम पे आने जाने के लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ अक्सर। सही, तो मतलब मुझे ये लगता है कि JDMs की सबसे मजे की बात ये है कि आप इनको एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, तंग नहीं करती, ये तंग नहीं करती, बिल्कुल तंग नहीं करती। और मेंटेनेंस वगैरह जो है उसकी एक अंदाजन कॉस्ट कितनी है एज अपोज्ड टू नॉर्मल कार? इसका इसको हम उस तरह तो नॉर्मल कार की तरह मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उतनी ज़्यादा ये चलती नहीं है, इसको टाइम टू टाइम हम वैसे ही ऑयल वगैरह चेंज करते हैं और वही बेसिक ऑयल चेंज और इसका फिल्टर वगैरह रफली 25-30,000 इस रेंज के अंदर हो जाता है, लेकिन आप हाँ इसको 5,000 किलोमीटर के बाद बेशक कर लें। सही है, लेकिन हम थोड़ा
जल्दी कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी खड़ी ज्यादा देर रहती है। अच्छा, इसमें आपने बताया था कि नॉन टर्बो गाड़ी थी, इसको आपने ट्विन टर्बो की है, तो टर्बो कौन सी आप आफ्टर मार्केट लगाए कोई स्टॉक? जी आफ्टर मार्केट है, अभी ट्विन टर्बो नहीं है, अभी सिंगल टर्बो है, 72 mm इसकी टर्बो है। और कौन सा गैरेट है, कौन सा? प्रिसीजन 7275 सेकंड जनरेशन टर्बो। एंड इनटेक, इनटेक पे भी कोई पंगा लिया हुआ कि नहीं? इनटेक मैनिफोल्ड स्टॉक है और बाकी सिर्फ टर्बो उसकी बड़ी है, बाकी इंजन पूरा बेल्ट है ऊपर से नीचे। सही है। और इंजन हेड जो है वो हेड गेम्स यूएसए का, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हेड्स के लिए, और ब्लॉक इसका दुबई से बिल्ट हुआ है सब जीरो मोटर स्पोर्ट्स से। अच्छा, मैं अभी चला रहा था और मैं इसको जो है ना ब्रेकर पे टेढ़ा करके गुजारा था, आपने कहा था नहीं लगेगी, तो वाकई नहीं लगती है? नहीं लगती है। नहीं लगती है। सही। अच्छा, वैसे आपस की बात है, इन दोनों गाड़ियों को लोग राइवल कहते हैं, रेहानसा वाली गाड़ी भी है तो, बट उस गाड़ी के अंदर मेरा ख्याल वन एफ ये कि वो रैली पे चली है, ये गाड़ी रैली पे नहीं चली, दीज आर द प्योर ट्रैक कार। जी एग्जैक्टली, ये ड्रैग में ही ज्यादा शुरू से फेमस हुई है। और रैली के भी कुछ इसके कैस्ट्रोल वेरिएंट थे जो अपना रैली में लोगों ने यूज किए हैं, लेकिन इस तरह से रैली में फेमस नहीं जिस तरह ही वो। ठीक। और इसके जो मीटर ये टीआरडी का, ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगाया? जी आफ्टर मार्केट है। सही। चले आए जरा रेहान साहब की गाड़ी का भी देखते हैं, फिर इस गाड़ी की ड्राइव करते हैं। चाबी मैंने संभाल ली ताकि आप लेके भागना जाए। जी जी। तो रेहान साहब, क्या हाल है आपके? जी जी शुक्र सर। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें हमारे यूजर्स के लिए। 2003 मॉडल एवोल्यूशन 7 है। ठीक है। ओरिजिनल एवोल्यूशन है? नहीं, कन्वर्टेड। कन्वर्टेड है जी। सही है। 2003 ईवो 7 जी। और ये कन्वर्ट आपने खुद की थी, कन्वर्टेड ली थी? कन्वर्टेड ली थी, ये मैंने बैक इन कोरोना डेज तब मैंने बाय की थी गाड़ी। अच्छा, तो यानी अब आपके पास 3 साल से है? जी। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या सेटअप डला हुआ है? ये गाड़ी टोटल बिल्ट है फ्रॉम हेड टू टो, हेड स्प्रिंग रिटेनर्स वेल्व्स पिस्टन आफ्टर मार्केट ईसीयू और नाइट्रस पे ट्यून्ड है ये। ये ऑलमोस्ट 675 व्हील्स है और टोटल गाड़ी ऊपर कॉइल ओवर सस्पेंशन टोटल गाड़ी बिल्ट है। ठीक है। और इसके हॉर्स पावर फिगर्स क्या हैं सर? 675 व्हील्स। व्हील्स जी। चलिए, मुझे याद है डॉक्टर साहब ने बताना बोल रहे, डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी भी फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर है ना? जी फ्लेक्स फ्यूल पे। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है हमारे यूजर्स के लिए जरा बता दें टेक्निकल? बेसिकली जिस तरह इतनी हाई हॉर्स पावर के लिए आपको एथेनॉल पे या पंप गैस के अलावा आपको और फ्यूल्स पे जाना पड़ता है, तो फ्लेक्स फ्यूल का फायदा ये होता है कि आपको बार बार इसकी मैपिंग और इग्निशन टाइमिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। ठीक है। आप एक बार गाड़ी को ट्यून कर देते हैं कि इतने परसेंट आप एथेनॉल ऐड कर रहे हैं या कोई भी आप दूसरा जो फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक गाड़ी अपने आपको या इसी अपने आपको अडॉप्ट करता रहता है। तो ये जो फ्लेक्स फ्यूल है ये इजीली अवेलेबल पाकिस्तान में? एथेनॉल हम लोग यूज़ करते हैं, इजीली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने लोग ये यूज़ कर रहे हैं सब लोग सोर्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके जो ये ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं ये हैं ओरिजिनल के? मेरी तरह कैलिपर खरीद के लगाए हैं। एवोल्यूशन में तो ओरिजिनल ब्रेम्बो ब्रेक्स ही आते हैं, बस मैंने इसके स्टॉप तक के रूटर्स लगाए हैं, बाकी तो ब्रेक्स उसकी जनवरी ब्रेम्बो जाती है। एंड इट्स हैज बीन विद यू फॉर 3 इयर्स नाउ? जी बिल्कुल। ये ट्रांसफर केस कितनी दफा तोड़ा है आपने? अभी तक एक बार भी नहीं। लोगों को बेसिकली, हालांकि क्योंकि एवोल्यूशंस के बारे में मशहूर है कि ट्रांसफर केस ऐसे तोड़ते हैं जैसे खवातीन दिल तोड़ती हैं। जिस दिन मैंने ईवो खरीदी थी ना, हालांकि मेरा भी यही प्लान था कि यार 2-3 ट्रांसफर केस तो लेने चाहिए, बट मैंने इस गाड़ी के ऊपर लॉन्च मारे हैं ना, कि मतलब किसी दिन जिस दिन हम निकलते हैं ना, तो रोज मुझे कहता है यार बस कर दे, कंजेक्टिव 12-12 लॉन्च, 13-13, पता नहीं लोगों को, मतलब इसमें ना सिर्फ थोड़ी टेक्निकलिटी है लॉन्च करने की ऑल व्हील की। सही है। लोगों को वो नहीं आती, वो फिर होता क्या है जिस वजह से ट्रांसफर केस पे लोड आता है। ठीक है। अच्छा, ये मैनुअल वेरिएंट है? राइट। सही। सर, ये इसका नाइट्रस ला गया जी, यहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ है किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली जो है ना, आगे इंटरकूलर के ऊपर वॉशर्स लगे हुए हैं, जब आप गाड़ी को रन मारते हैं तो आप मैनुअली भी उन पर स्प्रे कर सकते हैं इंटरकूलर के ऊपर, और ये ऑटोमेटिक भी स्प्रे करते हैं। आपके अंदर और मेरे अंदर एक चीज़ कॉमन लग रही है जी, आपने ट्रिकल चार्जर रखा हुआ जी, जिसका मतलब आप गाड़ी कम चलाते हैं जी, तो ये इसको लगा देते हैं और चार्जिंग करता रहता है। जी, यार ये वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को लेनी चाहिए। अच्छा, एंड ये कन्वर्ट किसने की हुई है वैसे, किसने की थी कन्वर्ट? इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जब जिससे मैंने बाय की थी ना, उसने कन्वर्ट करने के बाद जब गाड़ी मतलब उसने ये, तो वो बंदा खुद चला गया था आउट ऑफ कंट्री। सही है। तो उससे मेरी बस कॉल पे बात हुई थी, और तब उसने बोला जी कि इतनी अमाउंट आप पे कर दे, मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं है। तो मतलब उसने गाड़ी HMS से बिल्ट हुई, उसके घर गई और उसने यूज़ नहीं थी की। और आपने जो अभी आप हॉर्स पावर फिगर्स बता रहे हैं, ये मैंने लाइनों पे आवाज़ वैसे ट्यून करवाया है, लेकिन ये उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं की, आपने जिस तरह ली थी वैसे ही है? मैं जब मैंने बाय की तो सिर्फ ब्लॉक बिल्ट था। ठीक है। ठीक है, हेड बिल्ड नहीं था, ECU आफ्टर मार्केट था, AM2 नाइट्रस नहीं लगी हुई थी, मतलब स्लाइटली बिल्ट थी 300 हॉर्स पावर। सही। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें खुद, मतलब ट्रिपल प्लेट क्लच, क्वार्टर मास्टर का ECU सीरीज 2 और हेड में स्प्रिंग रिटेनर वेल्व्स, ये मैंने बाद में खुद डाले। सही है। ये सब चीज़ें मैंने बाद में खुद इंस्टॉल की। ठीक है, अंदर से भी देखते हैं ना जरा क्या सूरत हाल है अंदर से इसकी। ओए, अच्छा बकेट सीट्स आ गई जी, जी। और इसकी हालत मेरी जैसी क्यों, जरा मैं सीधा हूँ, ये भी सीधा उतर रही है। ये गेजेस कौन कौन सी लगी हुई? इसमें सब गेजेस ऑन है, ये ऑयल टेम्परेचर है, ठीक है, ऑयल प्रेशर है, सही, ये टर्बो बूस्ट है, वो वाइट बैंड है, और ये फ्यूल प्रेशर है।
मतलब ये ऑयल प्रेशर है और ये गाड़ी का पेट्रोल, इनके फ्यूल प्रेशर। और ये आप रेगुलरली नहीं गाड़ी चलाते, इट्स नॉट योर एवरीडे रनर। बस फ्राइडे फ्राइडे कभी बाइक्स के साथ रेस कर ली, कभी किसी के साथ, बस ऐसे ही मेरा रोज का सीन है। और ये मैप स्विचिंग पे है, ये नाइट्रस वाला मैप और ये दूसरा मैप, सिंपल मैप, मल्टीपल मैप पे चला रहे हैं जी। सही। और हाउ प्रॉब्लमैटिक इज टू मेंटेन दिस कार? इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मत लोगों ने ना एवोल्यूशन की हाइप बनाई हुई है कि गाड़ियां बहुत वेयर एंड टियर निकालती हैं। बस थोड़ा सा आप इस चीज़ को नोट कर ले, मैंने मतलब जितनी भी मतलब इन दी पास्ट फैसलाबाद में एक दो ईवोज आई, मैंने उनकी भी हिस्ट्री देखी, अब भी देखी, लोग करते क्या हैं जी, अगर ऑयल चेंज होने वाला कोई बात नहीं, आज रन मार लेते फिर ऑयल चेंज करा लेंगे, ये करा लें, मतलब कुछ चीज़ें हैं अगर आप उनको टाइम टू टाइम मेंटेन कर लें, एवोल्यूशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता गाड़ी को। आप 3 साल से कितनी को चला चुके होंगे? मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट को 30,000 किलोमीटर चला लिया हुआ, मतलब मैं इस्लामाबाद, मैं और शुरू बहुत बार इस्लामाबाद गए, 30,000 किलोमीटर जी जी, इतनी गाड़ी मैंने चलाई है। वाओ। अच्छा, आखिर में एक सवाल जिसके बाद आप मुझे निकलने का कह देंगे। जी जी, चले पूछ लेता हूँ, लोग चले जी। ना पूछो, पूछ लें यार, चले पूछ। फ्यूल एवरेज क्या देती है? लॉन्ग पे जब मैंने, जब स्टॉक ECU पे थी ना, तब एवरेज गंदी थी, अब मैंने जब इस आफ्टर मार्केट ECU पे लगाई है ना, आवाज बनी ट्यून की, अब शुक्र अल्लाह का लोकल में आ जाती है इसकी कोई 7 किलोमीटर, फिर तो बड़ी अच्छी एवरेज, और लॉन्ग पे 12 आ जाती है। ये बताइएगा कि कितने लोग एवोल्यूशन को जनरली ऑन रोड पे चाहते हैं, आम लोग समझते हैं लेंसर ही है? जो बहुत कम लोग, मतलब ना, हाँ, जो कार्स, जो कार एंथुसियास्ट है ना, वो ही ज्यादा जानते हैं, और बाकी ज्यादा तो नहीं सकता। पाइन लांसर तैयार कराई। अच्छा, ये GPA पाइन तड़ा अपना सीखा कि हमें? ये मेरा अपना GPA था यूनिवर्सिटी में। ये देख लो यार, ये देख लो, ये मेरा अपना ये GPA 2.5, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी सारे ये लें, अच्छा GPA भी ले लें, मेरे और इनके जो है ना, जैसे कम लोग होते हैं जिनके GPA कम होता है लेकिन वो कुछ हो जाता है जिंदगी में, लेकिन जनरली अच्छा। वैसे एक अब मैसेज आ जाए ना आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी लेते हैं जी, तो ये दोनों मशीनें जो बेसिकली हमने आज आपको दिखाई हैं, वेरी हाईली ट्यून्ड, बड़ी हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स हैं। सो डॉक्टर साहब, मैं ये जा रहा था कि लोगों को ये बता दें कि जितनी हाई ट्यून्ड एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल हैं, उनके साथ जिम्मेदारी भी उतनी है सड़क के ऊपर, दूसरों की जान और अपनी जान की, तो कोई मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जिनको गाड़ियों का शौक है, कि किस तरह उनको गाड़ी जिम्मेदारी से चलानी है, कैसे बिहेव करना चाहिए सड़क पे। सबसे पहली बात पता क्या, जो नई जनरेशन है उनको, मतलब हम खुद भी, मतलब जिसमें हम अपने पेजेस पे भी, अपने दोस्तों को भी, और जो नई जनरेशन आ रही है, रैश रेसेस से प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करें। नई जनरेशन सबसे पहले रैश करती है। मैं तो कहता हूँ कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर आपको करना है, अगर ड्रैग भी करनी है, तो कोई खास तौर पे जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है वहाँ करें, जहाँ पे लोगों की जिंदगी खतरे में ना हो, अपनी जिंदगी खतरे में ना हो, अगेन जान है तो जहान है। ये सारी चीज़ें जो है, ये अल्लाह ताला ने हम सबके जो है ना फायदे के लिए बनाई है, वो मशीन हो, वो कोई गन हो या कोई भी चीज़ हो, उसका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करेंगे तो वो आपकी लंबी जिंदगी की जमानत भी, और उसके साथ आप उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। और ट्रैफिक के अंदर खास तौर के ऊपर बिला वजह बखाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है वो। वैसे भी आपको मेरा ख्याल है कि अभी जिस चीज़ पे कमांड नहीं है, पहले ऐसे ऐसा प्रैक्टिस करें, एंड अगेन आई वुड रीट्रेट कि कंट्रोल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे करें। हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को ये हाई परफॉर्मेंस मशीन दिखाएं, उनके मालिकों से दोनों से मिलवा दिया आपको, उनके आपको मुँह से भी बतवा दिया कि भाई गाड़ी चलाने के लिए, रखने के अलावा चलाना, उसे प्यार करना जो भी जिम्मेदारी होती है। तो ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।